चिमूर के चावड़ी परिसर में आदिशक्ति माँ दुर्गा की पूजा श्री दुर्गोत्सव मंडल में 33 वर्षों से धूमधाम से की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहते हैं। चिमूर के चावड़ी परिसर में बीते लगभग 33 वर्षों से श्री दुर्गोत्सव मंडल की ओर से विविध राष्ट्रीय और सामाजिक विषय पर उपक्रम लिया जा रहा है। इसी उपक्रम का एक स्वरूप के रूप में आदिशक्ति श्री दुर्गा माता की स्थापना की जाती है। चिमूर शहर में 1987 तक विद्या की देवी माँ सरस्वती देवी का उत्सव मनाया जाता था। सरस्वती माँ का सम्मान कायम रखकर आदिशक्ति माँ दुर्गा माता की स्थापना चिमूर के तत्कालीन जिला परिषद उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक स्वर्गीय बालम और गुरुजी ने सर्वप्रथम गांधी वार्ड के चावड़ी परिसर में स्वयं के घर के सामने एक प्रांगण में किया था। बालमवार गुरुजी के निधन के बाद आज उनके वारिस रविंद्र बालमवार यह कोसों दूर रहने के बावजूद श्री दुर्गा उत्सव के दरमियान यहां पर मौजूद रहकर विविध कार्यक्रमों में सहभागी होते हैं। इस मंडल में आध्यात्मिक धार्मिक आदि उपक्रम के साथ राष्ट्रीय समस्या पर विविध उपक्रम लिए जाते हैं। इसी के तहत 5 सितंबर को दूरदर्शन की प्रख्यात बाल खंजरी वादक कलाकार कुमारी भाविका खंडालकर नागपुर के प्रबोधन कार्यक्रम से श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अंधश्रद्धा निर्मूलन, स्वच्छ भारत अभियान, ग्राम सभा वृक्षारोपण ऐसे विविध विषयों का समावेश था। कार्यक्रम के साथ प्रतिदिन शाम की आरती के बाद विविध लोगों द्वारा महाप्रसाद दिया जाता है, जिसका आनंद रोजाना सैकड़ों भाविक लेते हैं। बीते 33 वर्षों से श्री दुर्गोत्सव मंडल तथा बालमवार गुरुजी की प्रेरणा से शुरू हुए उत्सव को साकार करने का आह्वान मंडल के पदाधिकारियों ने किया है। सीटीवी के हमारे विशेष प्रतिनिधि बालू सातपुते।